हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कच्चे मान की चटनी। ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, देर न करते हुए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने मान का ऊपरी हिस्सा को ले लिया है और मान को काटने से पहले हथेली में अच्छे से तेल लगा लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खुजलाने लगता है। और मान को इस तरीके से छील लेना है, हमें सावधानी से छीलना है, नहीं तो हाथ भी कट सकता है। तो आराम आराम से इस तरीके से इसे छील लेना है। अगर आप इस चटनी को कभी ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप इसकी चटनी खाए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हम मान को अच्छे से छील लेंगे, इसमें एक भी दाग ना रहे, नहीं तो ज़्यादा खुजलाएगा। इस तरीके से हमें अच्छे से इसे छील लेना है। मान को हमने अच्छे से छील लिया है, अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। मान को हमें पीसना है तो हम इस तरीके से इसे हल्का रफली चॉप्ट कर लेते हैं। सारे मान को हमने काट लिया है, अब हम इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो आप सिलबट्टे में ही पीसे, सिलबट्टे में पीसी हुई चटनी का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। तो सारे मान को हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और इसे स्मूथली पीस लेंगे। और इसमें पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा खुजलाने लगेगा। और मान को पीसने के बाद इसमें काफ़ी सारा पानी निकल आता है, तो अब हम इसे पीस लेते हैं। मान को हमने स्मूथली पीस लिया है, अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लेना है और इसमें पीसी हुई मान को डाल देना है। अगर मान में पानी रह जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा खुजलाने लगेगा, इसलिए मिक्सर ग्राइंडिंग जार से सारे पीसे हुए मान को निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो सारे पीसे हुए मान को हमने कपड़े में निकाल लिया है और अब इसे इस तरीके से घुमा घुमा के इसका एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेना है। तो इस तरीके से इसे निचोड़ निचोड़ के इसका एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा खुजलाने लगेगी और इसका रस काफ़ी ज़्यादा खुजलाता है। तो इस तरीके से इसे हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए सारा रस को निकाल लेना है। तो ये देखिए, लगभग एक कटोरी इसका रस निकला और इससे हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसे नाली में फेंक देंगे। तो अब निचोड़ के रखे हुए मान को हम फिर से मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसमें एक भी रस नहीं है तो ये बिल्कुल भी नहीं खुजलाएगा। और हम इसे इतना रिस्क लेके बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे थोड़ा से भिगोया हुआ इमली। इमली को हमने 10 मिनट के लिए भिगो लिया था। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और इसे हम स्मूथली पीस लेंगे। हम इसमें लहसुन ऐड करना भूल गए थे, तो इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 लहसुन की कली और इसे अच्छे से पीस लेंगे। अभी आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से पीस लिया है और इसे पीसने में टोटल हमने 2 से 3 चम्मच पानी का यूज़ किया है। और अब इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो हमने इसे एक कटोरी में निकाल लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, वो है सरसों का तेल। तो इसमें ऐड करना है 2 चम्मच कच्चे सरसों का तेल, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और सरसों का तेल डालने से चटनी खुजलाता भी नहीं है और ना ही गले में खराश होगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरीके से एक बार मान की चटनी को बना कर खाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। चटनी में हमने सरसों का तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और चटनी हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसे सर्व कर दिया है। अगर आपको तीखा कम लगे तो आप इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं और खुजली हो तो आप नींबू का रस इसमें निचोड़ सकते हैं।
आपको हमारा आज का ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।